वैसे दोस्तों आपको याद होगा मैंने कल कहा था कि मैं सरप्राइज कुछ प्लान कर रहा हूँ, तो दोस्तों सरप्राइजेस प्लान हो रहे हैं। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल, दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिट टेक। दोस्तों आज भी लेके आ गया हूँ बहुत सारे टेक और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अपडेट्स को। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले अपडेट से, निकल के आ रहा है एप्पल की तरफ से। दोस्तों जो एप्पल है ये अब $3 trillion की कंपनी बनने वाली है। इनका मार्केट कैप जो है वो $3 trillion का होने वाला है। दोस्तों देखते हैं, दोस्तों उन्होंने कहा है कि बस थोड़ा सा ही रह गया है, बाकी ये बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी टेक की दुनिया में। और दोस्तों बता दूं अगला अपडेट निकल के आ रहा है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S22 सीरीज होने वाली है। दोस्तों S22 का प्राइस शायद वैसा ही रहेगा जैसा S21 का था, यानी कि इनके प्राइसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, तो देखते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों आपको बता दूं आज आप देख रहे होंगे सभी के सभी टेक यूट्यूबर्स की जो टेक न्यूज वगैरह आती है सबकी लेट है। दोस्तों मैं आपको रीजन बताता हूं, बेसिकली ये है, आज लॉन्च होना था 8 Gen 1 के ऊपर कोई ना कोई बेसिकली दो फोन लॉन्च होने थे और दोनों के दोनों बहुत लेट लॉन्च हो रहे हैं। अभी जो है दुनिया का पहला बन चुका है मोटो, यानी कि मोटो एज X30। दोस्तों ये फोन लॉन्च हो चुका है थोड़ी देर पहले ही, मेरे पास अपडेट आया है। ये बन चुका है दुनिया का पहला फोन जो लॉन्च हुआ है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के ऊपर। दोस्तों काफी जबरदस्त चीज है और दोस्तों इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो सामने यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ, काफी बढ़िया लग रहा है। दोस्तों 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है, 60 MP का कैमरा है दोस्तों रियर साइड में, काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है, दोस्तों जबरदस्त है। तो अब दोस्तों दूसरा बनेगा रियलमी, जिनका लॉन्च इवेंट बस जस्ट इनके बाद ही है। तो दोस्तों इसलिए जो है आज टेक न्यूज वगैरह लेट है और सभी जो यूट्यूबर है इनका वेट कर रहे थे कि कब लॉन्च होंगे। तो दोस्तों अब ये पहला बन चुका है मोटो। और दोस्तों अगला अपडेट भी दे दूं आपको निकल के आ रहा है मोटो की तरफ से, मोटोरोला का एज S30। दोस्तों ये फोन के स्पेसिफिकेशन सामने निकल गया है कि ये फोन जो है आने वाला है AAA+ के ऊपर, काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज और काफी ज्यादा पावरफुल फोन होने वाला है। देखते हैं दोस्तों, वैसे सबको वेट था एज X30 का, तो वो तो दोस्तों आज चाइना में लॉन्च हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये इंडिया में कब तक आता है। और दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 जो दोस्तों नया मॉडल होने वाला है 2021 का या 2022 में आ जाएगा, वैसे 2021 में ही आएगा। तो दोस्तों ये जो नया मॉडल होने वाला है इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आ गई है। यूनिसॉक का प्रोसेसर होने वाला है T618 और दोस्तों मैं कहूंगा अच्छा है। देखते हैं दोस्तों कि प्राइस बेसिकली क्या निकल के आता है। इसके अंदर आपको बैटरी मिलेगी 7040 mAh की, दोस्तों अच्छा है। और फ्रंट में आपको मिल सकता है 8 MP का कैमरा। और दोस्तों आज गूगल ने एक अनाउंसमेंट की है, बेसिकली ये जो है अनाउंस किया है गूगल ने कि उनके जो भी स्मार्टफोन्स है रिपेयर सेंटर पे जाते हैं उनकी प्राइवेसी का कंसर्न ओनर का एट रिस्क है, मतलब ओनर के रिस्क के ऊपर वो अपना खुद का स्मार्टफोन वहां रिपेयर होने के लिए दे रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज का कोई फॉल्ट नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी अगर आपकी प्राइवेसी वहां पे लीक होती है। तो दोस्तों ये चीज जो है मेरे को लगता है गलत है, मतलब हर जगह जाओ कंपनी कह रही है कि जी हमारा इसमें कोई है नहीं है, कंसर्न नहीं है कि हम कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, तो दोस्तों गलत भी है। बाकी दोस्तों देखते हैं कि क्या कुछ निकल के आता है इसके ऊपर। और दोस्तों ओप्पो की तरफ से आज उनका फोल्डेबल डिवाइस, जो फोल्डेबल फोन आने वाला है दोस्तों अनाउंस हो गया है, इसका नाम होने वाला है फाइंड N। दोस्तों इनकी जो फाइंड सीरीज होती है ना बहुत ही जबरदस्त होती है और ये होने वाला है फाइंड N। और दोस्तों ये 15 December को आएगा चाइना में। इसके अंदर आपको एक पंच होल डिस्प्ले में कैमरा मिल जाएगा और दोस्तों इसके अंदर आपको मिलने वाला है 888 प्रोसेसर, तो काफी पावरफुल होने वाला है। बाकी देखते हैं दोस्तों, आप इसका डिजाइन देख सकते हो। और दोस्तों आज पबजी न्यू स्टेट की तरफ से डाउन टाइम को अनाउंस कर दिया गया है, ये लॉन्च होने वाला है, बेसिकली इनके अंदर एक अपडेट आने वाला है। इसमें काफी नए नए मोड्स और काफी नए नए कार्स, काफी नए नए स्किन्स वगैरह आपको मिलेगी, तो दोस्तों ट्राई कीजिएगा जैसे ही आता है, काफी चेंज हो जाएगा ये। और दोस्तों आज कुछ स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आई है आईकू नियो 5 की, या 5 नियो जो भी है दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 888 प्रोसेसर मिलने वाला है, यानी कि पावरफुल फोन होगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको जो कैमरा सेटअप मिलेगा दोस्तों मेन कैमरा होगा 48 MP का, जो कि सोनी का होगा, सोनी का IMX598। और दोस्तों फ्रंट में आपको मिलेगा 16 MP का। दोस्तों 4500 mAh की बैटरी होने वाली है, जो कि आएगी 66 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। दोस्तों ओवरऑल फोन दिख रहा है अच्छा,
देखते हैं दोस्तों कि ये इंडियन मार्केट में कब आता है और बाहर कब लॉन्च होता है। और दोस्तों आज आईफोन्स के बारे में एक रिपोर्ट निकल के आई है। आपको कल मैंने बताया था कि आईफोन 14 सीरीज में फोन तो चाह रही होंगे लेकिन मिनी वाला नहीं होने वाला है। तो दोस्तों आज एक रिपोर्ट निकल के आ गई है कि जो आईफोन 14 सीरीज होने वाली है इसमें जो प्रो मॉडल होगा और प्रो मैक्स, ये दोनों के दोनों मॉडल के अंदर आपको पंच होल डिस्प्ले मिलने वाली है। दोस्तों ये कमाल का अपडेट निकल के आ गया है और उन्होंने कहा है कि जो बेस वेरिएंट होंगे जो आईफोन 14 होगा सिंपल वाला उसके अंदर अभी नॉच रहेगी उसमें से नहीं जाने वाली है, पर जो प्रो और प्रो मैक्स वाला वेरिएंट होगा इसके अंदर आपको जो है पंच होल डिस्प्ले मिलेगी। दोस्तों मैं कहूंगा ये बहुत जबरदस्त अपडेट है, मतलब सच में ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। और दोस्तों आज अमेजोन ने अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी alexa.com को शट डाउन करने वाले हैं May 2022 के अंदर, यानी कि उनकी जो सर्विसेज है धीरे धीरे करके वो बंद कर देंगे alexa.com की, ना कि अलेक्सा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आपका जो अलेक्सा डिवाइस है अलेक्सा चलती है वो चलती रहेगी, alexa.com बंद होने वाली है। दोस्तों इनके अंदर बहुत सारी सर्विसेज को यूज करते हैं ये, जो कि ये दोस्तों 25 years से सर्विस को यूज करते हैं, देते हैं लोगों को, तो वो सर्विसेज बंद होने जा रही हैं। तो ये जो है अपडेट आया है अमेजोन की तरफ से। और दोस्तों गूगल ने कंफर्म किया है, उनको एक यूजर की रिपोर्ट मिली थी, बेसिकली कुछ प्रॉब्लम है बेसिकली दोस्तों गूगल पिक्सल फोन के अंदर जो नए वाले हैं इनके अंदर बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि जो इमरजेंसी नंबर है 911 यूएसए का, दोस्तों वो इमरजेंसी कॉल नहीं जा रही है फोन से अगर आपके फोन में माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट की ऐप जो है वो ये कह लीजिए पुश कर रही है, कॉल नहीं जाने दे रही है इमरजेंसी कॉल। तो दोस्तों गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट से रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी माइक्रोसॉफ्ट टीम जो ऐप है उसका कोई अपडेट रोल आउट कीजिए ताकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये ठीक हो जाए। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पिक्सल फोन के अंदर ये हो रहा है, बाकी सभी डिवाइसेस एकदम ठीक ठाक काम कर रहे हैं। और ये वाला जो है पिक्सल जो भी 10th वर्जन पे है, मतलब एंड्रॉयड 10 या उससे ऊपर वाले वर्जन के ऊपर है, उनके अंदर ये दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको आ रही है तो बताइएगा, तो इसका मतलब ये है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप है और उसमें ये दिक्कत है। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है फिलिप की तरफ से। दोस्तों फिलिप्स ने आज अपने लॉन्च किए हैं नए हेडफोन्स, इनका नाम दोस्तों बहुत ही लंबा सा है, TAH6506BK दोस्तों ये इनका मॉडल नेम होगा, अभी शायद नाम दूसरा नाम निकल के आया हो। वैसे दोस्तों ये जो हेडफोन्स है काफी अच्छे हैं, इनके अंदर आपको अप टू 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है, तो मैं कहूंगा ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों इनके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता है फास्ट चार्जिंग के लिए, तो जल्दी चार्ज हो जाएंगे, ये इनका एक प्लस पॉइंट मैं कहूंगा। बाकी दोस्तों इनका प्राइस आपको पड़ता है 599 का, और दोस्तों ये जो है सिर्फ और सिर्फ अमेजोन के ऊपर एक्सक्लूसिवली आपको मिलेंगे, तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आपको ये अमेजोन के ऊपर मिलेंगे। और दोस्तों आईफोन 9 के कुछ स्पेसिफिकेशन सामने निकल के आए हैं, और दोस्तों ये फोन भी होने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के ऊपर। दोस्तों ये आएगा 120 हर्ट्ज के फास्ट चार्जिंग के साथ में, तो दोस्तों 120 वॉट का, ना कि 120 हर्ट्ज का, 120 वॉट का फास्ट चार्जर होगा दोस्तों इसके साथ में, यानी कि काफी फास्ट चार्जिंग मिलेगी। और दोस्तों ये फोन जो है आने वाला है जनवरी के अंदर, वैसे ज्यादा चांसेस है फरवरी के या तो स्टार्टिंग वाले कुछ डेज के अंदर ये आ जाएगा। और दोस्तों इसका मतलब ये है कि इंडिया में भी जल्दी आ जाएगा, तो अच्छी बात है, देखते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों कहा जा रहा है कि ये फोन जो है काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है, काफी ज्यादा जबरदस्त इसके अंदर आपको चीजें मिलेगी, जैसे आपको शायद हो सकता है शोल्डर बटन वगैरह मिल जाए, तो साइड ट्रिगर्स दोस्तों गेमिंग के लिए, तो दोस्तों पॉसिबिलिटी है, देखते हैं। और दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से एक अपडेट निकल के आया है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी एक नई सिंक ऐप निकालनी शुरू कर दी है। दोस्तों जो भी लैपटॉप जो है उनकी नहीं बेसिकली एप्पल की M1 चिप के ऊपर काम करते हैं या फिर विंडोज के ऊपर काम करते हैं जो कि ARM के ऊपर बेस्ड है, तो दोस्तों इनके अंदर आपको एक माइक्रोसॉफ्ट सिंक ऐप मिल जाएगी। दोस्तों इसकी हेल्प से आप अपने डाटा को सिंक्रोनाइज कर सकते हो, जो कि बेसिकली दोस्तों आपका जो डाटा है वो क्लाउड में चला जाता है या किसी और आप कह सकते हो क्लाउड बेस्ड इनके स्टोरेज होती है वहां पे भी आप डाल सकते हो। तो दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव के अंदर आ रहा है बेसिकली, तो अच्छा है दोस्तों, अगर आपके पास ऐसा कोई लैपटॉप वगैरह है तो ट्राई कीजिएगा, आपका जो डाटा है वो जल्दी से जल्दी क्लाउड में जाएगा। और दोस्तों आपको याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था एप्पल की तरफ से उनके AR हेडसेट्स आने वाले हैं जो कि आईफोन्स को रिमूव करेंगे या रिप्लेस करेंगे बेसिकली। तो दोस्तों कंपनी की तरफ से कुछ कंफर्मेशन हुई है और उन्होंने कहा है कि ये 3D बेस्ड होंगे, यानी कि आपको बहुत ही जबरदस्त 3D एक्सपीरियंस मिलेगा इसके अंदर,
और दोस्तों कहा जा रहा है कि ये जो है 2022 के लॉन्च इवेंट में ही लॉन्च होंगे। पर दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा था कि लॉन्च भले ही ये 2022 में हो जाए, आने वाले कुछ एक दो साल बाद या तीन साल बाद ये मार्केट में डालेंगे इन्हें, यानी कि मार्केट में सेल के लेके आएंगे। बाकी दोस्तों कहा जा रहा है कि इनका जो प्राइस रहेगा अराउंड $1000, तो दोस्तों अगर मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो आपको 75,000 और समथिंग बनता है। तो दोस्तों अगर इतना प्राइस आता है तो मैं कहूंगा आईफोन से ज्यादा किफायती है, ये ले सकते हैं। बाकी दोस्तों क्योंकि आईफोन जो है वो तो फिर ऊपर चले जाते हैं कि इतना जबरदस्त आपको फीचर्स वगैरह मिले और महंगा भी मिले, तो दोस्तों देखते हैं। और दोस्तों एसुस अपने नए क्रोमबुक्स को लेके आने वाला है, नए मॉडल्स। बेसिकली दोस्तों नॉर्मल या स्टैंडर्ड वाले यूजर्स के लिए कहूं तो 13th December को एक लॉन्च करने वाले हैं। और क्रिएटर्स के लिए जिनका बहुत ज्यादा हैवी काम होता है, जो जिनको परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा चाहिए होती है बेसिकली, तो उनके लिए 14th December को लॉन्च होने वाला है। तो दो होने वाले हैं, एक 13th December को और एक 14th December को। और दोस्तों फाइनली आज एंड्रॉयड 12L बीटा लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों आपको याद होगा मैंने बताया था एल मतलब लार्ज डिस्प्ले, और एंड्रॉयड 12 जो है वो अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग बन के आएगा। तो दोस्तों कुछ पिक्सल फोन इसके लिए एलिजिबल है जिनकी स्क्रीन बड़ी है, तो दोस्तों उनके अंदर देखने को मिलेगा। वैसे ये बनाया गया है बड़े डिवाइसेस के लिए, फोल्डेबल डिवाइसेस के लिए या फिर टैब्स के लिए। और दोस्तों ऑटो न्यूज में सबसे पहला अपडेट निकल के आ रहा है होंडा की तरफ से। होंडा ने अपनी नई एक्टिवा 125 प्रीमियम दोस्तों ये लॉन्च कर दिया है, नया एडिशन, और इसका स्टार्टिंग प्राइस जो 78,725 रुपीज पड़ता है। दोस्तों इसके अंदर जो पहला वेरिएंट ये वाला मैंने बोला है, इसके अंदर आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगी। अगर आपको डिस्क ब्रेक वाला चाहिए तो आपको थोड़े ज्यादा पैसे खर्चने पड़ेंगे, 82,280 रुपीज तक का पड़ता है डिस्क ब्रेक के साथ में। तो दोस्तों मैं कहूंगा कोई ज्यादा फर्क नहीं है, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, अपनी सेफ्टी चाहिए तो डिस्क वाला ले सकते हो आप। बाकी स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो ड्रम ब्रेक्स के साथ आता है। दोस्तों इंजन जो है वो 125 cc, तो दोस्तों काफी अच्छा है। बाकी दोस्तों डिजाइन वगैरह में तो चेंजेस ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके अंदर कलर ऑप्शन थोड़े से ऐड हो गए हैं, और दोस्तों फीचर जो है वो भी लगभग वैसे ही है। तो दोस्तों जो भी लोग देख रहे थे कि नई जैसी जनरेशन की आएगी हम लेंगे, तो दोस्तों ये आ गया प्रीमियम वाला एडिशन, और ये स्पेशल एडिशन है प्रीमियम एडिशन। और दोस्तों BSA गोल्ड स्टार इंजन, दोस्तों बेसिकली ये जो है एक बाइक की कंपनी है, और ये UK में फॉर्म हुई थी, उसके बाद वहीं पे खत्म हो गई थी। वर्ल्ड वाइड चलती थी दोस्तों, बहुत जबरदस्त कंपनी थी, इनके बहुत जबरदस्त बाइक्स वगैरह आती थी। और अब जो है कुछ दिन पहले ये रीबॉर्न हुई है, मतलब ये दोबारा से इन्होंने अपने प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट की है, अपनी दोबारा कंपनी सेटअप की है और यूके में ही स्टार्ट की है। इन्होंने थोड़े दिन पहले अपने बाइक्स वगैरह लॉन्च की थी, मेरे पास न्यूज अपडेट्स आए थे, पर दोस्तों मुझे लगा कि इंडिया में शायद नहीं आ पाएंगे तो मैंने नहीं बताया था आपको। पर दोस्तों आज कुछ कंफर्मेशन मिल गई है कि इंडिया में भी अपनी बाइक्स को लेके आने वाले हैं, तो देखते हैं दोस्तों कि इनकी बाइक्स वगैरह कितनी जबरदस्त होती है। उन्होंने कहा है कि जो उनके पुराने मॉडल्स थे जो काफी जबरदस्त थे, काफी ज्यादा हैवी थे, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ में आते थे, वो वाले मॉडल्स को लेके आएंगे। दोस्तों इनका जो डिजाइन है ये आप कह सकते हो जैसे बुलेट एनफील्ड वगैरह आते हैं उनके जैसा है, पर इनके अंदर आपको बहुत ज्यादा बढ़िया आप कह सकते हो इंजन वगैरह मिल जाता है। बाकी दोस्तों कंपैरिजन नहीं कर सकते हम अभी, क्योंकि ये बाइक्स अभी यहाँ इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, अभी तो यूके में भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले वहां पे लॉन्च हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वैसे दोस्तों आपको याद होगा मैंने कल कहा था कि मैं सरप्राइज कुछ प्लान कर रहा हूं, तो दोस्तों सरप्राइजेस प्लान हो रहे हैं, आप बने रहिए, और जल्दी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको सरप्राइज के बारे में बताऊंगा कि हमारे चैनल के लिए क्या सरप्राइज होने वाला है, हमारे फैमिली के लिए, FT फैमिली के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।